दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित के साथ टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। इस टाइप के वीडियो बनाना हो तो आप किस तरह से ये वीडियो आप बना सकते हैं, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कैनवास एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से जो वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पे आपको वीडियो शूट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। वीडियो अब जब भी आप शूट करेंगे तो 50% पार्ट जो है आपको खाली होना चाहिए, और इसके बाद आपको एक मोबाइल से आपको वीडियो को शूट करना है और दूसरे मोबाइल से आपको ये जो गाना जो है आपको प्ले कर देना है। इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो को शूट कर लेना है, और शूट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव करना है। तो राइट साइड का अगर एक्स्ट्रा पार्ट होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, इससे आपका लेफ्ट का पार्ट जो एक्स्ट्रा था एक रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप राइट साइड में आना है। राइट साइड में यदि एक्स्ट्रा पार्ट है तो फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद इस तरह से जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल आपको बीच का कोई पार्ट आपको एक्स्ट्रा है तो आपको ट्रिम पर क्लिक करना है। ट्रिम पर क्लिक करने के स्प्लिट कर देना है, और इसके बाद आपको देख लेना है कहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, फिर से हमें स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद वो बीच का जो पार्ट है यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट मैं बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर दिया हूँ। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद तो यहाँ पे मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें क्रोमा की को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद फिर से हमें लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको जो थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है। इसके बाद हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों मैं चलो दिखा देता हूँ कौन सी पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरी तरह से यहाँ वीडियो को एडजस्ट कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो है ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो जो है जहाँ से जो माधुरी दीक्षित टर्न ले रहा है यहाँ से आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको 8 से 9 सेकंड के आसपास के वीडियो है। इसके बाद आपको यहाँ वीडियो तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और इस साउंड को हमें साइलेंट कर देना है। इसके बाद हमें ओरिजिनल साउंड लेकर आना है। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए टिकटॉक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑडियो को बाहर निकाल देना है। इसके बाद इस ऑडियो को लास्ट तक लेकर जाना है। इसके बाद इस वाले वीडियो को डिलीट कर देना है। तो और यहाँ पर दोस्तों मेरा ऑडियो भी ये सही तरह से एडजस्ट हो चुका है। फिर से हमें क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद नीचे की तरफ आना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉर्डर लाइट देना है। एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। फिर से हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद डुप्लीकेट ले लेना है। इसके बाद फिर से हमें इस पर क्लिक कर लेना है और इसको हमें ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इसको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो हमारा बॉर्डर लाइट भी सेट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो भी हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप चाहे तो माधुरी दीक्षित के साथ वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।